नागिन 3 के इस हफ्ते के खतरनाक एपिसोड के प्रोमो में क्या होगा जब शिवांगी की वापसी होगी और यह शिवांगी की धमाकेदार एपिसोड में वापसी कैसे होगी और इस हफ्ते के एपिसोड में बेला एंड शिवांगी मिलके कैसे सामना करेंगे तामसी का और क्या होगा इस हफ्ते के आने वाला एपिसोड के प्रोमो में, यह सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दें। नागिन 3 का इस हफ्ते का एपिसोड आपके लिए स्पेशल से भी स्पेशल होगा और क्योंकि अब जिसका कई महीनों से इंतजार कर रहे थे वो शिवांगी वापसी कर रही है इस हफ्ते के आने वाले एपिसोड में। और हमारे कहे अनुसार इस हफ्ते के आने वाले एपिसोड में आपको करणवीर बोरा यानी रॉकी और अर्जुन बिजलानी यानी ऋतिक या दोनों की भी काफी धमाकेदार वापसी होगी और तामसी अपनी नागमणि को ठीक करवाने के लिए जब बेला के सामने यानी श्रावणी के सामने आएगी तभी वह श्रापित नागमणि की शक्तियों से शिवांगी की धमाकेदार एंट्री होगी और जहाँ पर शिवांगी की महानागरानी की शक्तियाँ और श्रावणी के पास पुनर्जन्म की सबसे दमदार भव्य शक्तियाँ यह दोनों की शक्तियाँ एक होगी और यह खुफिया सूत्रों के अनुसार यह दोनों की शक्तियाँ एक होने की वजह से तामसी का अंत निश्चित होगा और आपको तामसी की मौत भी देखने को मिलेगी और तामसी की भयानक मौत के बाद आपको महानागरानी यानी शिवांगी और श्रावणी का काफी बड़ा तांडव भी देखने को मिलेगा और यह तांडव करने की वजह महादेव को नागमणि फिर से सुरक्षित वापस लौटाने के लिए होगा और मजा तो तब आएगा जब शिवांगी अपनी पिछली यादें बेला को बताएगी और यही पिछली यादों में उसकी माँ यानी शिवन्या के साथ और उसके खुद के साथ कितना बुरा हुआ ये सब बताएगी। और लेकिन दुख की बात तो ये है कि शिवांगी की एंट्री अब जल्द ही हो जाने के बाद नागिन 3 अब जल्द ही खत्म हो जाएगा वो भी अपने बड़े राज के साथ। और लेकिन अब शिवांगी की वापसी और तामसी की मौत और शिवांगी एंड बेला का भव्य तांडव देखने के लिए और इस हफ्ते के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो ये सब हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।